हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश खुशहाल होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन लाजिम प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएँ। और बहुत मज़े की इंशाल्लाह वीडियो आने वाली है अगर टाइम मिला तो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी इन मेहिको, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर ही। मेरा व्हाट्सअप नंबर है अगर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पर मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना किया करें। ओके, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो हमारी है कि बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि मेक्सिको से पाकिस्तान पैसे कैसे भेजते हैं। तो सिंपल आंसर है कि मेक्सिको से पाकिस्तान पैसे भेजना नामुमकिन ही नहीं मुश्किल है। हाँ, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। पहले जब शुरू में तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है कि बहुत आसान था, बहुत आसान नहीं था, आसान था। पैसे आप सेंड कर सकते थे वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए और मनीग्राम के ज़रिए, लेकिन पिछले 3-4 सालों से इन्होंने पता नहीं क्यों सख्ती कर दी है पाकिस्तान पर। ऐसा लग रहा है आप किसी के पास जाएँ वेस्टर्न यूनियन वाले के पास, पहले से पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान है कहाँ पर, वो कहते हैं कौन सा कंट्री है तो उसे बताना पड़ता है। ये पाकिस्तान भी एक कंट्री, आप नक्शे पे ढूंढ सकते हैं इस कंट्री को, अपनी लिस्ट में देख सकते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी सॉरी जी हम इस कंट्री को नहीं सेंड कर सकते हैं, ये ब्लैक लिस्ट में है मेक्सिको की। पता नहीं क्या रीज़न है, सीरियसली नहीं पता। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो एनीवे, मेक्सिको से पाकिस्तान पैसे भेजना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इसके दो ऑप्शन हैं पाकिस्तान पैसे भेजने के, आप ट्राई कर सकते हैं। यार पाकिस्तान आपने पैसे मेक्सिको से मंगवाने क्यों है? इसकी दो वजह हो सकती हैं कि आपका कोई रिश्तेदार है, भाई है, कोई फैमिली मेम्बर है मेक्सिको में है, वो पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी अभी मेक्सिको में हैं, अभी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी, पहले बहुत कम कम्यूनिटी थी, अभी काफ़ी सारे पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं मेक्सिको में। तो बंदे काम करते हैं, अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं, एक रीज़न ये होती है। दूसरा रीज़न जो है मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग बताते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा आपसे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है मेक्सिको में, वो मुझे पैसे भेज रही है। यार पहली बात मुझे आप बताएं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम किसी लड़की से पैसे कैसे मांग सकते हैं? इवन वो आपकी वाइफ है, मेरी वाइफ है, मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता। भाई ये हमारी फैमिली, हमारे वालदैन हमें सिखाते हैं, हमारा कल्चर हमें सिखाता है, हमारा मजहब भी हमें सिखाता है कि बीइंग अ मर्द हमें खुद मेहनत करके अपने हाथों से क्या कहते हैं खर्चा करना चाहिए, कमाना चाहिए, खाना चाहिए, और अपनी वाइफ को भी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिलाना चाहिए, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे हम मंगवाएं। एनीवे ये आपका पर्सनल मामला है कि आप गर्लफ्रेंड से या अपनी फ्रेंड से या किसी भी तरह नेक नीति से या बद नीति से पैसे मंगवाते हैं पाकिस्तान। तो जो टॉपिक है हमारा कि मेक्सिको से पाकिस्तान पैसे भेजते कैसे हैं, दो ऑप्शन है इसके। अगर तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, अगर आपका भाई है, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर है मेक्सिको में रह रहा है और उसके पास मेक्सिकन पासपोर्ट है, मेक्सिकन नेशनलिटी है, तो वो ट्राई कर सकते हैं पैसे भेजने का। उसमें भी दो मसले, एक तो लेट्स सपोज मैं हूँ पाकिस्तानी था, अभी मैं मेक्सिकन हूँ, मेरे पास मेक्सिकन पासपोर्ट है, मेक्सिकन आईडी है, लेकिन जब मैं उनके पास जाता हूँ पैसे भेजने के लिए तो उन्हें मैं अपनी आईडी दिखाता हूँ, तो या पहले तो पासपोर्ट मांग के उस पर लिखा होता है, मतलब जो बाई बर्थ आपका सिटी होता है वो पाकिस्तान का लिखा होता है, आपका सिटी और कंट्री जो पाकिस्तान होता है वो देख के बताते हैं जी ये कौन है, कोई देश गलत है जो पाकिस्तान पैसे भिजवा रहा है, ऐसी ऐसी नज़रों से देखते हैं। एनीवे अगर आपकी फ्रेंड जो है वो मेक्सिकन बॉर्न है तो फिर उसके लिए ईजी है, वो जा सकती है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी लिखता हूँ, ये ऑफिस से टेलीकॉम टेलीग्राफ हो, वहाँ पर जाके वो चेक कर सकती है। हर स्टेट में, हर सिटी में डिफरेंट रूल्स हैं, कुछ सेंड कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो टेलीग्राम टेलीग्राफो जो है वो एक ऑफिस है, वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन है, वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजते हैं, लेकिन ये ऑफिस है, ये जो कंपनी है, तो वहाँ से वो पैसे सेंड कर सकते हैं। अगर मैं अपना बात करूँ कि मैं अगर ट्राई करूँ तो मुश्किल है, मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई मेक्सिकन बॉर्न है, मेरे पास मेक्सिकन बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो ईज़िली वहाँ से पैसे सेंड कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है।
तो पहले मनीग्राम वाले एक्सेप्ट करते थे, मनीग्राम से आप सेंड कर सकते थे। यहाँ पे एक शॉप है, एक सुपर मार्केट है आप कह सकते हैं कपल के नाम से, वहाँ पे जो मनीग्राम है वहाँ से सेंड कर सकते थे, लेकिन अभी वो नहीं कर रहे। होपफुली के आइंदा चंद महीनों में या चंद सालों में दोबारा वो सेंड करना शुरू कर दें। ओके, पहला ऑप्शन तो है टेलीग्राम, टेलीग्राफों का ऑफिस है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को बताएं जिसने भी मेक्सिको से पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, कि वो जहाँ गूगल पे सर्च करे टेलीग्राम टेलीग्राफों का ऑफिस, लोकेशन सेंड चेक करे या उन्हें फ़ोन करे, वहाँ पे जाके पता करे हाँ जी मैंने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, तो वो बता देंगे हाँ जी सेंड करते हैं कि या नहीं। ये पहला ऑप्शन है जो कि रिकमेंडेड है, जो कि आजमाए हुए। सेकेंड है, आप बैंक के थ्रू पैसे पाकिस्तान भिजवा सकते हैं, लेकिन आपके पास जो बंदा यहाँ मेक्सिको से पैसे भेज रहा है पाकिस्तान, उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और प्लस पाकिस्तान में जो बंदा रिसीव कर रहा है उसके पास पाकिस्तान में बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जो उसका स्विफ्ट अकाउंट होता है या स्विफ्ट कोड होता है या IBN नंबर होता है वो चाहिए होता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि टाइम बहुत लगता है। पहले तो टाइम बहुत लगता है कि यहाँ से बैंक वाले अगर एक्सेप्ट करते हैं वो सेंड करेंगे, 2 वीक 3 वीक 4 वीक तक लग जाते हैं पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र होने में। और इसमें सम टाइम और मोस्टली केसेस में जो मैंने सुना है या जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मेरे दोस्तों ने, कि पैसे पाकिस्तान नहीं पहुंचते, 2 वीक तक इंतज़ार करते हैं, 3 वीक तक इंतज़ार करते हैं, फिर उन्हें बैंक जाना पड़ता है वापस, जी हाँ जी पैसे नहीं पहुँचे, बैंक वाले फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं जी हाँ पैसे कहाँ पे हैं। वो देखते हैं ये पैसे जो हैं वो दरमियान में लटके हुए हैं, पाकिस्तान जा नहीं रहे, पता नहीं क्या मसला है। तो वो फिर यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करें, हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। तो फिर उस पे कि वो जब आप कैंसिल करते हैं वो 3 से 4 वीक लगते हैं पैसे वापस आने में, पाकिस्तान भी नहीं पहुंचे और पैसे जो रास्ते से वापस आते हैं उस पे 3 से 4 वीक लग जाते हैं दोबारा आपके बैंक अकाउंट में वापस आने के लिए। तो मुश्किल है मेक्सिको से पैसे पाकिस्तान भिजवाना। तो ये दो ऑप्शन है। तीसरी जो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, अगर दुबई में आपको कोई बंदा है, USA में कोई बंदा है, UK में कोई बंदा है, तो मेक्सिको से आप UK सेंड कर सकते हैं, दुबई सेंड कर सकते हैं, या USA अमेरिका में आप किसी को सेंड कर सकते हैं, तो वो फिर वहाँ से पाकिस्तान आपको सेंड कर दें। इसमें डबल चार्ज होगा जो कमीशन होता है यहाँ से, जाहिर सी बात है USA को अगर UK सेंड करते हैं या दुबई सेंड करते हैं तो ये चार्जेस होंगे, प्लस वहाँ से फिर पाकिस्तान सेंड करने के वो अलग चार्जेस होंगे। जी भाई, तो ये मेक्सिको है, मेक्सिको से पाकिस्तान पैसे भेजना मुश्किल है जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो अगर कोई बंदा और है जो यहाँ मेक्सिको में रहता है, बहुत सारे बंदे रहते हैं लेकिन आई डोंट नो मेरी वीडियो देखते नहीं हैं या देख के कमेंट नहीं करते, तो अगर आप में से किसी को पता है कि मेक्सिको से पाकिस्तान भेजने का कोई और तरीके तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा या डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर बता दें, सब लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर मेक्सिको वाले बंदे पाकिस्तानी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, किसी बंदे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मसले ऐसे भी होते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ जो है ना, जिनके बॉयफ्रेंड जिन्होंने फ्रेंड रखे होते हैं पाकिस्तान में, वो भी कहती हैं भाई हमने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं। मैंने कहा बताऊँ, मैंने कहा पाकिस्तानी वो पैसे ना भेजें, क्या पता वो आपको यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा पाकिस्तानी जो है वो पैसे मांगते नहीं हैं लड़कियों से या अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से। तो मैंने कहा ना भाई कहते नहीं, सुने कैसी कैसी रीज़न बताते हैं, कहते नहीं वो मुझे मेरा दोस्त है या मेरा बॉयफ्रेंड जो है मीनोबियो, वो मुझे कह रहा है कि मुझे तू पैसे भेज, लेट्स सपोज 10,000 पैसो, तकरीबन 87,000 पाकिस्तानी बनता है, ये 5,000 पैसो कुछ भी कर लें, आप मुझे पैसे भेजें पाकिस्तान, अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे हैं आप मुझे पाकिस्तान पैसे भेजें, मैं यहाँ पे देग पकवाऊंगा और देग पकवा के जो गरीब बच्चे हैं मल्ले के उनको खिलाऊंगा, ठीक है। अब रीज़न क्या है, आप मुझे पैसे भेजें कि मेरी फैमिली जो है, मेरे वालदेन जो हैं वो मुझे कंफर्म करना चाहते हैं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो मेरे साथ सीरियस है। तो वो एक तरह के मतलब उसको प्रूव करने के लिए भाई सीरियस है, आप मुझे पैसे भेजें, सीरियस या मुझे गिफ्ट भेजें, गिफ्ट या भेजें यहाँ से गिफ्ट, तो जाहिर सी वजह शिपिंग भी जो है वो ठीक ठाक बहुत कॉस्टली है, तो कहते हैं शिपिंग के बजाय आप गिफ्ट लेंगे तो आप पैसे पाकिस्तान भिजवा दें। ऐसे ऐसे उनके कमेंट्स होते हैं जो लड़कियाँ होती हैं कि भाई मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना तो मुझे पैसे मांग रहा है कि उसने अपने वालदेन को प्रूव करना है कि मैं उसके साथ सीरियस हूँ। टू स्ट्रेंज यार, कैसे कैसे लोग हैं। एनीवे, हर एक का पर्सनल मैटर है। तो ये थी आज की वीडियो कि पाकिस्तान पैसे कैसे भेजते हैं। तो इंशाल्लाह
दूसरी वीडियो में एक बना रहा हूँ इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करता हूँ। मेक्सिको और यूएसए का जो बॉर्डर है उस पर अपडेट्स आ रही हैं, काफ़ी सारी इमिग्रेशन पे काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है चेंज हो चुका है। तो होपफुली हमारे लिए भी बींग ए मैक्सिकन बींग पाकिस्तानी काफ़ी सारी उसमें आसानियाँ होगी। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद नहीं भी आई तो देख लीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया, लाइक भी कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, एक मिनट भी नहीं लगता, 10 सेकंड लगेगा, तंग करें, और साथ में घंटे वाला बटन भी लाजमी दबाएँ। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत कारामद हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।